मेरी प्लेट पूरी तरह से खाली है और मुझे बहुत भूख लगी है। अरे नहीं, पेज रो रही है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। क्या अच्छी महक है। किसी को भूख लगी है? शायद बेटी जल्दी से तुम्हारे पास आ रही है। शायद आज मैं इस रोलिंग पिन को लेकर जाऊंगी। हाँ, यह वाला। ज्यादा नखरे मत करो। थिंग, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुमने देखा, केवल सेब को झेलना पड़ा। या कैसी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। हमें पेज की मदद करनी चाहिए। यहाँ सभी है, यहाँ तक कि वेंसडे भी। तो चलिए चुनौती शुरू करते हैं। क्या यह थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम दो अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ, है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध, अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम थी। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ। हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा। और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, क्या कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ, बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा, अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's। बड़े वाले यहाँ है और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेंसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेंसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, यह एक बहुत बड़ा M&M केक है। और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेंसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट।
वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे ये जीत है, मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह बधाई हो वेंसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? आ, बचाओ, ये मेरे सिर पर है, कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ या, इस बार मुझे पास्ता चाहिए, नूडल्स या कुछ और। एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। या इंस्टेंट नूडल्स है, मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस, और वहाँ पर क्या है? ओह कितना भयानक, उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेंसडे, मुझे नहीं लगता कि पेस को ये पसंद आएगा, इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह तुम्हारे नखरे बहुत है। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ वेंसडे बस कुछ भी करती है, और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी। हाँ इस तरह का, और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। ओह इतनी झंझट क्यों, यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है, मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ यह सही है, मेरे पास एक आइडिया है, अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ तो अब मेरा पास्ता पक गया है, अब मैं इसे डीप फ्राई कर लूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा। और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है, मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ, ये और भी सुविधाजनक है। ताराम, मेरे नूडल्स तैयार है, हमारा भी। वाह आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है, शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह क्या ये ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या हैं? यह जिंदा नहीं लगता, इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको फेज, एक मिनट रुको, यह जेली और ओरियो है, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी, लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। ये चबाया हुआ गम है, चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है और नूडल्स भी। बेन तुम जीत गए, मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह यह तो होना ही था, मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस हाँ या, इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। बकवास, यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है।
मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और दो अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे और फिर अब मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है। ओह, वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ। इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड, लाइट आने दो। ओह हाँ, यहाँ वे तैयार हैं। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है। और मेरी बर्गर कुकी तैयार है। जरा इसे देखो। ओह, कितना भयानक है। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओ नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया, मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा। फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूंगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। यह ओरियो की तरह है। आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज खा लेता हूँ। हाँ, अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की। बेन को छोड़कर। ओह, यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह, यह सब बहरा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियां। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर। कितने सारे अलग अलग कुकीज हैं और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है। मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी। मुझे यह बहुत पसंद आया। बेटी, तुम खुद से आगे निकल गई हो। तुम जीत गई, सच में। आखिरकार, भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। आशा है आपको आज की चुनौती पसंद आई होगी। फिर लाइक और सब्सक्राइब करें। मल्टीरूट चैलेंज के साथ बने रहें। आगे और भी कई मजेदार और दिलचस्प चुनौतियां आपका इंतजार कर रहे हैं।